दोस्तों आपके जो जीमेल में ईमेल्स आता है उसको आप कभी डिलीट नहीं करते हो, तो डिलीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान के चलिए कि आपका जो जीमेल है, गूगल अकाउंट है, वो बहुत ज़्यादा पुराना है और उस पर आपको बहुत सारा ईमेल्स आता रहता है। लेकिन क्या होता है कि आपका ईमेल का जो है स्टोरेज फुल हो जाता है, क्योंकि आपने कोई भी ईमेल को डिलीट नहीं किया, तो इस कारण से आपको कोई नया ईमेल नहीं आ पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक साथ सेलेक्ट करके पूरा का पूरा ईमेल को एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं, और साथ ही आपको ये भी सिखाऊंगा कि मान के चलिए आपको ड्रीम इलेवन से बहुत ज्यादा ईमेल आता है, या तो कोई भी ऐसा वेबसाइट है जहां से आपको बहुत ज्यादा ईमेल आता है, तो उसी वेबसाइट का खाली ईमेल सिलेक्ट करके, ऑल सिलेक्ट करके आप कैसे डिलीट कर सकते हो, बाकी का आपका ईमेल वहां पे रहेगा। तो आप जो है जीमेल पे जाओगे और वहां पे ऑल सिलेक्ट करने की कोशिश करोगे ईमेल्स को डिलीट करने के लिए, तो आपको वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको आप कैसे कर सकते हो और पूरा का पूरा एक क्लिक में डिलीट कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और इस वीडियो को पूरा फुल स्क्रीन में देखिएगा ताकि आपको सही से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पे सबसे पहले चलते हैं जीमेल पे। जीमेल पे आने के बाद में मान के चलिए मुझे जो है इस ईमेल को से यहां पे सिलेक्ट करके एक साथ में जो है ऑल सिलेक्ट करना है, तो ऑल सिलेक्ट करने के लिए यहां पे कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है जहां से मैं एक साथ पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लूं जितना भी ईमेल है और उसको मैं डिलीट कर लूं, ठीक है, यहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, चले जाना होगा यहां पे क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद में आपको यहां पे सर्च बॉक्स मिलता है, इस पे क्लिक करना है और सर्च करना है आपको जीमेल, ठीक है। यहां पे आपको क्या सर्च करना है, जीमेल। आपको जैसे ही जीमेल पे आप सर्च करेंगे तो ये सर्च होगा, पर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा गूगल का, यहाँ पे जीमेल गूगल, इस पे आपको क्लिक करना है, बाकी आपको कहीं नहीं क्लिक करना है, इस पे जीमेल गूगल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लोडिंग होगा, जैसे ये लोडिंग हो जाएगा तो इस टाइप से आपको ओपन हो जाएगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डेस्कटॉप साइट जो है इस पे क्लिक कर देना है, तो ये फिर से यहाँ पे लोडिंग होगा, मतलब फिर से ये वहाँ पे सर्च होगा। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे कर देंगे तो सर्च होगा, सर्च होने के बाद में इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी ईमेल है जीमेल, वो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है पहले क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। तो मेरा लॉगिन है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक बटन 3 लाइन का, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे नीचे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है डेस्कटॉप का, आपको सिंपली डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर देंगे तो फिर से यहाँ पे ये सर्च होगा और सर्च होने के बाद में इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेक मी टू लेटेस्ट जीमेल, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये जो ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे सर्च होगा और जैसे कंप्यूटर में ओपन होता है ये वैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पे जीमेल जो है ईमेल पूरा का पूरा ओपन हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल सिलेक्ट और एक साथ पूरा का पूरा जो भी आपको ईमेल आया है उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए यहां पे मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, जूम करने के बाद में देखिए यहां पे बॉक्स टाइप का, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो एक साथ पूरा का पूरा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 को ही सिलेक्ट किया है। यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ है ऑल 50 कन्वर्सेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड। अगर आप पूरा जितना आपको ईमेल आया हुआ है आपके जीमेल पे उसको सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको जो है यहां पे सामने एक ऑप्शन मिल जाता है, यहां पे देख सकते हो लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑल 9854 कन्वर्सेशन इन प्राइमरी, तो इस पे क्लिक कर दोगे तो अब ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है, जो भी आपके जीमेल पे ईमेल आया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सिलेक्ट होने के बाद में इसको आपको डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करना है और जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आ जाएगा। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा जो है बल्क में डिलीट कर देगा, आपके जीमेल से ईमेल जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल को डिलीट नहीं करने वाला हूँ, चलिए मैं आपको बताया हूँ सिर्फ और सिर्फ। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप सिंपली एक वेबसाइट से जो आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स आता है उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे पहले सर्च करना है, सर्च बॉक्स आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। इसमें मान के चलिए जो भी आपको जो ईमेल आपको एक वेबसाइट से बहुत ज़्यादा आता है तो उसको डिलीट करना चाहते हो एक साथ पूरा का पूरा और बाकी ईमेल रखना चाहते हो, तो मान के चलिए मुझे ड्रीम इलेवन से बहुत ज़्यादा आता है तो मैं ड्रीम इलेवन यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही ड्रीम इलेवन को मैं सर्च करूंगा तो जितना भी सारा यहाँ पे ड्रीम इलेवन से जो मुझे ईमेल आया हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आ जाएगा तो यहाँ पे फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इससे बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और फिर से यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कन्वर्सेशन द मैच दिस सर्च, इस पर क्लिक कर देना है। तो जितना भी सारा जो है ड्रीम इलेवन से मुझे ईमेल आया उसको मैं एक साथ डिलीट कर सकता हूँ। आपको जो भी वेबसाइट से एक साथ आप डिलीट करना चाहते हो, जो भी वेबसाइट से आपको ईमेल आता है उसको ऐसे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो, सिंपली डिलीट के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे ओके करोगे तो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के कमाल के वीडियोस देखने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।